नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और यहाँ पर आज हम चरखी दादरी के बेरला गांव में पहुँचे हैं। और बेरला गांव में हमारे पहुँचने का मेन मकसद जो है वो है, आज यहाँ पर हुआ है टिड्डी दल का हमला। जैसे कि आप लोग काफ़ी समय से जो टिड्डी दल के हमले की बात सुनते आ रहे थे, आज वो चरखी दादरी में भी हुआ। जैसे कि आप मेरे यहाँ पर पीछे जितने खेत देख रहे हैं, जब मैं यहाँ पर बाड़ी के खेत में खड़ा हुआ हूँ, और इसके अलावा अगर आप ये दूसरी तरफ में देखेंगे तो कहीं ज्वार है, बाजरा है, तो दूसरी जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और इस दौरान में यहाँ पर जो टिड्डी दल का जो हमला है वो कहीं ना कहीं एक खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा था। हालांकि जो टिड्डी दल है वो यहाँ से आधे घंटे के अंदर ही यहाँ से आगे निकल गया है, आगे के गांव में पहुँच गया है। और जितने भी कृषि अधिकारी हैं वो साथ में वहाँ पर उनके हैं। हालांकि हमारे साथ यहाँ पर अभी जो कुछ ग्रामीण हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो हम उन्हीं से बात करते हैं और इनके जो खेतों में क्या कुछ नुकसान हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है अपना? आनंद है जी। आनंद जी, कैसे पता चला टिड्डी दल कैसे पहुंचा और फिर क्या कुछ इंतजाम किए गए? वो तो गांव में से फोन आया था जी, टिड्डी आ रही है, तो अपने खेत में तो गंदा हो लिए, थाली वगैरह ले गए जी, फिर वो उसको उड़ा दिया। तो आराम से एक बार थाली बजाने से ही उड़ रही थी या नहीं उड़ रही थी वो? नहीं जी, बार बार में वो बजाने से उड़ रही थी वे जी। तो कहीं पर नुकसान होने की कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है? नॉर्मल है जी, नॉर्मल है। क्योंकि ज्यादातर देखने में आता है कि जहाँ टिड्डी पहुंच जाती है वहाँ, जहाँ बैठ जाती है वहाँ पे काफी नुकसान कर देती है। तो लगभग कितनी देर तक यहाँ पर बैठी है वो टिड्डी? आधा घंटा रुकी थी यहाँ पर जी, तो उसके बाद वो निकल गई हैं। क्या हवा के साथ साथ निकल गई या उन्होंने अपना कहीं रूट ही बदल दिया है? ना जी, हवा के साथ साथ गई जी। तो यहाँ पर देखिए, हवा के साथ साथ यहाँ से निकल चुकी हैं। और भी कुछ हमारे साथ यहाँ पर जो किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है अपना? मुकेश। मुकेश जी, कैसे पता चला एक्चुअल में कि जो गाँव में जो टिड्डी दल जैसे पहुंचा, तो पहुंचने के बारे में पता चला होगा, घर होंगे आप, कैसे पता चला? ये जी कादमा गांव पड़ा है, अपने छोरी प्यार रखी है, मुझे फोन आया था जी, टिड्डी आ गई से, तो भाई किसी हमने तो बेरो को नहीं, किस तरह उड़ेंगी? बोलो के तो ट्रैक्टर सले सरतार दियो, ये अपने भाई को तार सड़ा को इस तरह खुड़का करोगा जीत जाएगी। ठीक है, तो पौन घंटा करीब रही है। तो आपने अपनी जिंदगी में पहली बार टिड्डी दल का हमला देखा था? हाँ, इस तरह से पहली बार। तो कितनी लगभग टिड्डी यहाँ पर पहुंची थी? ये इतनी होगी थी, जो ये फूल नहीं हो अपना गिंदे गंदे का, न्यू हरे हो गए सारे पीड़ा सब खेत, पूरा का पूरा खेत पूरा भर गया था। तो उसके बाद किन किन तरीकों को अपनाया गया जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाएं? टावरा तय पकड़ा दिया, किसी ताहड़ो कोई थाली कोई ट्रैक्टर हैंड हैंड के खेत गेल जी। हाँ, तो मतलब अब नुकसान नहीं हुआ है? ना, नुकसान उसका जो मौजूद खेत में नहीं था जी। हाँ, जो खेत में मौजूद नहीं था उसका नुकसान हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जो खेत में मौजूद नहीं था, हालांकि जैसे टिड्डियों का हमला अचानक से होता है तो खेत में मौजूद होना कोई कंपलसरी नहीं होता। हालांकि आजकल जैसे काम भी चल रहा है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि ट्रैक्टर के साथ ये लोग भी अपना जो कार्य कर रहे थे यहाँ पर, तो कार्य करते हुए भी यहाँ पर जैसे पूरा का पूरा जो एक पूरा परिवार है वो भी है, आसपास के जो दूसरे किसान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर हम भाई से भी पूछना चाहेंगे कि भाई, आज जब टिड्डियों का हमला हुआ तो क्या कुछ कार्य यहाँ पर कर रहे थे आप लोग? हम कपास रहे थे जी। तो यहाँ से जब वो हुआ तब आप यहीं पर थे? हाँ। तो क्या कुछ उसके बाद किया गया, क्या गांव से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, अधिकारी पहुंचे या नहीं पहुंचे? अधिकारी नहीं पहुंचे, पिछले गांव से फोन आ गया था कि टिड्डी दल आ रहा है जी, और उनका मतलब बचाव के लिए कुछ कर लो जी। तो हम खेत में ही थे तो हम सतर्क हो गए, और बाद में वो आए तो हमने ट्रैक्टरों से बालकों से डीजे से इनसे वो टिड्डी दल को निकाल दिया जी। तो अचानक से इन सारी चीजों का इंतजाम आराम से हो गया? हाँ, हो गया, गाँव में से मिल गए, गाँव में से मिल गए। तो डीजे वगैरह भी लेकर के आना पड़ा, क्योंकि बताया जा रहा है जैसे आधे घंटे के लिए ही रहा, आधे पौन घंटे के लिए थे जी। तो लगभग कितना एरिया जो था, जो आप यहाँ पर जितने भी जो खेत हैं उनमें कितने लगभग एरिया में वो थी? लगभग 3 किलोमीटर की चौड़ाई थी और 1.5 किलोमीटर की लंबाई में थी। 3 किलोमीटर चौड़ाई में, तो लगभग गाँव के जितने भी खेत हैं लगभग सारे उसके जद में थे। तो अब यहाँ से जब निकली हैं तो किस तरफ में वो निकल के गई? यहाँ से मैंडी की साइड में हो गई, मैंडी में चली गई हैं। तो वहाँ पर और दूसरे जो लोग हैं वो वहाँ पर उनको कॉल कर दिया। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो मेल मिलाप जो है वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। तो एक दूसरे को जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं कि किस तरीके से कहाँ पर जो टिड्डी दल है वो किस तरीके से कहाँ पर जा रहा है, तो वो सारी की सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं, ताकि लोगों का जो
नुकसान है वो कम से कम हो। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपसी जो एक जो मेल भाव है वो यहाँ पर दिखाई दिया कि जब टिड्डी दल का हमला होता है तो आपस में मिलजुल करके सभी जो कार्य हैं वो किए जाने चाहिए, ताकि जो इस तरह के जो हमले हैं जो एक आपदा के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं तो और काफ़ी समय से लगातार जो टिड्डियों का हमला है वो लगातार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सभी ने मिल करके काम किया और उन सभी टिड्डियों को यहाँ से भगाने का काम किया। हालांकि यहाँ इस गांव से ही थोड़े दूर और आगे जो हैं टिड्डियाँ अभी पहुँच चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर हमने जैसे हमने बात करी कृषि अधिकारियों से तो उनका भी कहना था कि वो वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जितनी भी कोशिश है कि वहाँ पर नुकसान कम से कम हो तो उसके लिए पूरी जो कवायदे हैं वो की जा रही हैं। ये जो टिड्डी दल है जो कल महेंद्रगढ़ में जो नाइट में रुका हुआ था पालड़ी पनियारी में, ये वही दल है जो दादरी जिले में एंट्री करने से पहले दो दड़ में बट गया था। एक दड़ा जो सुबह गोपालवास कादमा और धनासरी होते हुए बेरला पिचोप्पा और अभी बिलावल और बिंद्रावन के आसपास ये मंडरा रहा है। अभी इसकी हवा की जो डायरेक्शन है वो आगे अरोदा कला की तरफ है, बाकी जो हवा की दिशा पर निर्भर करेगा कि किस साइड में जाएगा। क्या जो जैसे नज़दीक ही भिवानी जिला भी लगता है, क्या वहाँ पर भी जाने का हवा के हवा का रुख के अनुसार जा भी सकता है, क्योंकि भिवानी जिला भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी यहीं पर मंडरा रहा है। जी सर, अगर इस खतरे को देखते हुए क्या कुछ अब विभाग की तरफ से तैयारियां की जा चुकी सर? विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को के माध्यम से किसानों को सूचना दी गई है, बुनियादी करवा दी गई है कि भी किसान सजग रहें और अपने खेतों में रहें, ताकि जैसे ही टिड्डी आए तो वो अपने जो है थाली है पीपे है खाली ड्राम है ट्रैक्टर की आवाज़ है या डीजे की साउंड है तो इससे जो है ना उसको टिड्डी दल को भगाया जा सके, ताकि किसानों की फसलों को नुकसान ना हो। सर अगर बात करें दवाई की तो दवाई कितनी यहाँ पर अवेलेबल है? दवाई जिला प्रशासन माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार दादरी जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाई है, जिसमें से कि 1197 लीटर तो हैफेड के पास रखी हुई है और 280 लीटर जो दवा है वो HLRDC के पास रखी हुई है, और जब जो ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ही वो उपलब्ध हो जाएगी। और माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी जो है ना तैयार हैं, तो जैसे ही ये टिड्डियों की हमें बैठने की सूचना मिलेगी, जैसे ही बैठेंगी, क्योंकि बैठने के उपरांत इनके ऊपर कोई दवा असर कर पाएगी, फ्लाइंग मोड में इन पर स्प्रे नहीं किया जा सकता। अगर बात करें जैसे काफ़ी जगहों पर जहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी तो वहां के लिए क्या कुछ? वहां पर हर एक गांव में लगभग जो है ट्रैक्टर माउंटेड जो ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए स्प्रे पंप हैं वो हैं, तो उनको भी पंचायतों के माध्यम से सरपंचों के माध्यम से DDPO के माध्यम से कृषि विभाग के माध्यम से उनको भी कहा गया है कि भाई अपने वो जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप हैं वो अपने पानी की टंकियां भर के तैयार रखें, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनमें अपनी दवाई डाल के और इसको कंट्रोल करने का अपना पूरा प्रयास जारी रखेंगे। अभी जैसे आपने बताया कि दो अलग अलग दलों में बढ़ चुका है, तो जो दोनों दल हैं लगभग कितने कितने बड़े हैं? अभी जो ये जो दल है अभी जिसको हम सुबह से 7 बजे 7:30 बजे से हम जिसके पीछे लगे हुए हैं, ये दल लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े का अंदाज़ा है, बाकी तो अभी ये चित्रा हुआ है एग्जैक्ट तो इसको कह नहीं सकते, लेकिन अंदाज़ा है कि इतना है। और एक दल अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी सूचना आई है कि भाई वो नंदा की साइड से और दादरी ज़िले में बारडा ब्लॉक में इसकी एंट्री सुनने में आई है जी, तो उसका आकार का अभी वहाँ पहुँचने पर ही हम आकलन कर पाएंगे, लेकिन अभी जो कोई खास नुकसान की जो है इक्का दुक्का हो सकता है कि कहीं कोई हो गया हो थोड़ा बहुत 5-10%, बाकी अभी कोई खास नुकसान की अभी कोई कहीं से सूचना नहीं आई है और हम सुबह से इसके पीछे टिड्डी दल के हम फॉलो कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ एक ये बढ़िया चीज़ है कि अभी तक जो टिड्डी दल है वो कहीं पर रुका नहीं है, लगातार उड़ता हुआ जा रहा है, जैसे कि हमें पता चला है कि वो 100 से 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए यहाँ से निकल रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भी जहाँ पर भी रात होगी वहाँ पर एक नुकसान होने की कहीं ना कहीं संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस दौरान में जहाँ विभाग जो है कृषि विभाग जो है वो बिल्कुल तैयार है मुस्तैद है और वो अपनी तरफ से जहाँ पर भी वो रुकेंगी उनके ऊपर छिड़काव करने के लिए रेडी है और उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम किया जाएगा। तो यहाँ ये आज के लिए एक बड़ी अपडेट थी और यही हम आपको देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं हम भी खेतों में पहुँचे हैं, जाके बाकायदा जो एक्चुअल जो स्थिति है उसको जानने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, हम आपको लगातार जो दूसरी अपडेट्स हैं वो भी लगातार आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।